जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने डेटा को डायग्राम के बेस में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे डेटा दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो और सिंपल हो जाए, आसानी से समझा जा सके। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के कई सारे टाइप्स हैं और इसमें बार डायग्राम बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जब बार डायग्राम होते हैं, इसमें से मैंने आपको सिंपल बार डायग्राम और आपको मल्टीपल बार डायग्राम बना बता दिया। अब हम एक ऐसा बार डायग्राम बताने जा रहे हैं आपको, जहां पर टोटल वैल्यू के साथ साथ उसकी पार्ट वैल्यू दोनों ही एक साथ एक ही बार में शो किया जाता है, जिसका नाम है कंपोनेंट बार डायग्राम, या कहीं कहीं उसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा बाकी डायग्राम से अलग होता है, क्योंकि एक ही डायग्राम में एक ही बार बनाया जाता है, उस एक बार के कई सारे कंपोनेंट यानी कि कई सारे बार बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार बना दिया, अब इस बार को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा। दैट मीन्स अगर इसको हम वन लाइन स्टेटमेंट देना है तो क्या लिख सकते हैं, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, जहां पर किसी डेटा के पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू एक साथ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को दिखाते हैं, खाली एक बार बना के छोड़ देते हैं, चाहे मल्टीपल बार डायग्राम हो चाहे सिंपल बार डायग्राम, जैसा कि पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में देखिए, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखी होगी, स्टैटिक्स के हर एक टॉपिक पर आपको क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, आपको पसंद आ जाए तो दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस चीज को हमें बार डायग्राम कंपोनेंट बार डायग्राम तैयार करना है, जैसा ही मैंने बताया एक बार के कई सारे कंपोनेंट कई सारे उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिससे उसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब बनाते कैसे हैं, किस तरह से करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है, देखिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑन डिफरेंट आइटम, अलग अलग फैमिली के अलग अलग आइटम के कितना खर्चा होता है उसको शो किया जाता है। जैसे एक्सपेंडिचर दे रखा है, एजुकेशन हो गया, क्लॉथिंग है, फूड, रेंट, अदर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। दो फैमिली है, फैमिली ए एंड फैमिली बी, दोनों की एक्सपेंडिचर को दे रखा है। दोनों के एक्सपेंडिचर के लिए हमें इसको क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ कंपोनेंट बार डायग्राम, हमें कंपोनेंट बार डायग्राम तैयार करना है। कंपोनेंट बार डायग्राम एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल सिंपल बार डायग्राम का है, बस उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, किस तरह से बांटेंगे वो भी देखिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है ग्राफ लाइक दिस, और कितनी फैमिलीज है, दो फैमिलीज है, इसका दो फैमिलीज के लिए आपको दो बार बनाने होंगे, लेकिन बार बनाने के लिए आपको पास डेटा होना चाहिए। मैक्सिमम डेटा कितना है, 5000 तक है, यानी कि आप यहां पर 1000 1000 का गैप ले सकते हैं, या फिर डेटा को इजीली शो करने के लिए 500 500 का ले सकते हैं। मैं यहां पर जो यूनिट ले रहा हूं वो 500 का ले रहा हूं, ठीक है, ताकि इजीली रिप्रेजेंट हो जाए। ये हो गया 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, ये हो जाएगा 5000, और एक स्टेप ज्यादा ले लीजिए आप, ये हो जाएगा 5500, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहां पर हम शो करेंगे क्या चीज, एक्सपेंडिचर को, और यहां पर हम शो करेंगे किसको, फैमिलीज को, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा जीरो। ठीक है, अब क्या करना होता है, देखिए सिंपल से दो स्टेप बताता हूं इसको करने के लिए। पहला स्टेप, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है 5000 और 5200, इस टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हुए दो बार बना दीजिए, वही जैसे आपने सिंपल बार डायग्राम में बनाया था। आपको 5000 को शो करना है, 5000 कहां पर है, इस पॉइंट में है, तो पहला बार आपने 5000 तक बना दिया लाइक दिस, ये हो गया आपका फैमिली ए। दूसरा बार 5200 तक बनेगा, यानी कि 5000 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर, ये हो गया फैमिली बी, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में ये सिंपल बार बनाना है, सिंपल नहीं बनाना है, कंपोनेंट बार डायग्राम बनाना है। कंपोनेंट होता है इस 5000 के छोटे छोटे कंपोनेंट है, ये हो गया 5000, 1000, 1250, 750, इसको रिप्रेजेंट करना। दो तरीका है,
पहला तरीका है डायरेक्ट 1500 उठाइए, 1500 यहां देखिए 1000 से 1500 के ऊपर 1000 प्लस करते हुए चलिए, या फिर यहां पर इसका एक फैमिली ए का एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना लीजिए। आपको पढ़ा है ना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में पढ़ा था किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना, सीरीज बनाया जाता है। तो पहला में क्या हो गया 1500, अगले वाले में इसमें ऐड कर दीजिए 15 और 1000 कितना हो जाएगा 250, 2500, उसमें फिर 2500 में 1200 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 3750, फिर इसमें 750 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5, 15, 14, 1, 15, 4000, 4500 में 500 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 5000, 5000 तक मैक्सिमम पहुंचना है। कितने आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 होने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, ये सिंपल तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं। सेकंड में ऐड कर दीजिए, पहला कितना है 1700, 1700 में से 850 ऐड कर दीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी यहां पर इससे 0, 5, 8, 7, 15 और ये हो गया 2, 2550 में से 1200 ऐड कीजिए 0, 5, 5, 2, 7 ये हो गया 3, इसमें 850 ऐड कीजिए 0, 5, 5, 10, 8, 7, 15 और 1, 16, 3 और 1, 4, 4650 में 600 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो गया ये, ये हो गया आपका सॉरी 5, 5, 5, 10, 8, 15 और 1, 16 और ये हो गया कितना 5200, कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां तक हो गया, उठाइए पहला फैमिली है, सबसे पहले कहां तक 1500, 1500 कहां पर है ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये देखिए इसको बोलते हैं वो कंपोनेंट, ठीक है ना, दूसरा कहां रहा है 2500, ये हो गया 2500, तीसरा कहां पर है 3750, 3500, 3750 यहां पर आ जाएगा, फिर कहां पर है 4500 यहां पर हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक एक ऊपर रह जाएगा, ठीक है ना, खत्म हो गया। इसी तरह बाहर फैमिली दूसरा ये कहां रहा है 1700, 1500 से ऊपर, फिर कितना है 2550, ये हो गया 2500, इसे थोड़ा सा ऊपर बना दीजिए, फिर हो गया 3750, 3500 ये 700, 750 और फिर हो गया 4600, 4500 ये हो गया 4600, बन गया, हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन अब भी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि किस चीज में क्या शो किया जा रहा है क्या पता, तो यहाँ पर सिंबल बना दीजिए, सिंबल 5 आइटम है तो 5 सिंबल होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अब सिंबल कैसे बनाएंगे, जैसे ये पहला वाला एजुकेशन, एजुकेशन को आपने सीधे लाइन से बना दिया लाइक दिस दोनों तरफ, चारों तरफ कलर फिल कर सकते हो, ठीक है ना। ये दूसरा आइटम क्या है क्लॉथिंग, इसके आगे देखिए ये क्या है एजुकेशन है, फिर क्या है क्लॉथिंग, क्लॉथिंग के लिए आपने डॉट डॉट कर दिया, ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ पर डॉट डॉट, आपने क्या करना खाली पहचान देनी है, फिर क्या यहाँ पर फूड, फूड के लिए आपने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, ये हो गया फूड आइटम। नेक्स्ट क्या है रेंट, रेंट के लिए आपने कोई दूसरा डिजाइन दे दिया सीधा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया रेंट, और जो खाली है वो क्या है अदर्स रहेगा, ये सिंबल हो गया। अब देखिए दिखने में भी कितना आसान है, एक ही बार में सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाता है, इसको ग्रुप में अलग अलग। अब क्या है दूसरा तरीका, हमने डायरेक्ट ये ना बना के ये कैलकुलेशन जो हमने यहां किया था वो आप सीधा मन में आइए, जैसे आपने एक 1500 बना दिया, 1500 से ऊपर 1000 कहां था 2500, 2500 से ऊपर जोड़ते जोड़ते खुद मनी वन जोड़िए, या फिर रफ में इसको पहले से आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, दोनों तरीका सही है। आप बिना ऐड कीजिए करिए डायरेक्ट यहीं पर ऐड कीजिए, आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो अच्छा हुआ गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे रफ में एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना लीजिए आपस में ऐड करते हुए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो उसका हाईएस्ट नंबर आता है उसको ऐड करते हुए चलिए और रिप्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई डाउट होता है बेझिझक बताइए। हर एक डायग्राम के लिए मैं आपको अलग अलग वीडियो में स्पेशल तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने एक ही वीडियो बनाया उसमें सारे डायग्राम एक बार में शो कर दिया, कौन सा डायग्राम कैसे बनाया उसकी वैल्यू क्या होती किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अच्छे से समझना है ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। और ज्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में क्लियर, ताकि उनको भी स्टैटिक्स समझ में आ जाए। थैंक यू एंड बाय।